क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। आपको फोर कंपाउंड गिवन है, आपके पास ऑप्शन फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि रेट ऑफ फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड विच इज ग्रेटर देन सेकेंड देन फर्स्ट। थर्ड सी ऑप्शन में बोल रहा है कि रेट ऑफ फोर्थ इज ग्रेटर देन सेकेंड विच इज ग्रेटर देन थर्ड और विच इज ग्रेटर देन फोर्थ, और लास्ट ऑप्शन में आपको ये गिवन है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होता है। जिस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और यही हमारे रिएक्शन का RDS कहलाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन बनता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अपने पास यहाँ पे RNU टाइप का जो कंपाउंड बन जाता है। अब अपने को वन बाय वन चेक करना है कि किसका रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा। अगर मैं यहाँ से इस Cl को निकालूं तो फर्स्ट वाले केस में मेरे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बन जाएगा CH2 पॉजिटिव NO2। सेकेंड वाले केस में जो मेरे पास कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे मैं Cl को यहां से लीक किया CH2 पॉजिटिव और ये बन Cl। थर्ड वाले केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा CH2 पॉजिटिव CH3 और लास्ट वाले केस में जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा CH2 NOCH3। अब अगर आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सभी में आपके पास जो कार्बोकैटायन बन रहा है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे ग्रुप को चेक करेंगे। ये NO2 ग्रुप जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये आपके पास यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जितने भी अपने पास माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। Cl भी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर CH3 की मैं बात करूं तो ये यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, और यहाँ पे अगर मैं OCH3 की बात करूं तो ये प्लस आर या प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लगाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्थ वाले केस में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी स्टेबलाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तो मेरा जो रेट होगा वो फोर्थ का हो जाएगा। फिर फोर्थ के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं, फोर्थ के बाद माइनस आई वाले को देख लीजिए, माइनस आई वाले में तो क्या करते हैं, माइनस आई वाले तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। माइनस आई वाले ग्रुप तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो इनको तो बाद में देखते हैं। OCH3 और CH3 में ये आपका प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो सेकेंड नंबर पे अपने पास आ जाएगा थर्ड। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे कम होगी, तो मतलब इसका जो रेट होगा वो भी सबसे कम होगा। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा मेरे पास सेकेंड और इसके बाद आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को मैच करूं तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है आंसर बी, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है।